जय जय श्री
राधे श्याम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सब मिलके आपके चरणों में नमन करते हैं, हृदय से आपको प्रणाम करते हैं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज इस जीवन में से ये आपने पवित्र फल आपके सुमिरन के लिए हमें बख्शे। हे नारायण, हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं ये जो आज का पल दिया है। हे प्रभु, ऐसी कृपा सदैव हम सब पर बना के रखना। तेरे सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे कन्हैया, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हर पल ये वाणी तेरा गुणगान करे, ये कान तेरी कथाओं का श्रवण करे, ये हाथ तेरी सेवा में लगे रहे, ये जो भी इस तन से जो भी सेवा हो सके नारायण वो आपके चरणों में हो। ऐसा पवित्र मन बना दे प्रभु कि हर घट में हम तुझे देख सके, ऐसी दिव्य ज्योति प्रदान कर। बोल श्री बांकी बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी, बहुत सुंदर कथा का श्रवण राजा परीक्षित जी को करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी जो जिंदगी भर उन्होंने एक सच्चे शासक के रूप में कार्य किया, परंतु जब उनके सिर पर काल सवार हुआ, उस काल सवार होने की वजह से उन्होंने जब एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, तो उनके पुत्र ने उसे श्राप दिया था कि आने वाले 7 दिनों में तेरी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जब हमें पता चल जाए कि हमारा आने वाले वक्त में क्या होना है, तो हमारा भी जीना दूभर हो जाएगा। ईश्वर ऐसी लीला रचते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कौन सा है, लेकिन हम सबको ध्यान रखना चाहिए 7 दिन अर्थात सोमवार से लेकर रविवार तक अगर 7 दिन है, तो हर किसी की मृत्यु 7 दिन में से किसी एक दिन निश्चित है, किसी एक दिन निश्चित है, कोई एक पल ऐसा निश्चित किया गया है ईश्वर के द्वारा कि जो हमारा इस धरती पर अंतिम कदम होगा, अंतिम पल होगा।
तो भागवत श्री भागवत हमें क्या बताती है? श्री सुखदेव जी हमें ये बताते हैं कि ये जो भागवत है इसको पढ़ने से, इसको मनन करने से, इसका श्रवण करने से जीवन तो सुधरता है लेकिन इससे हमारी मृत्यु सुधरेगी। क्या सुधरेगी? मृत्यु सुधरेगी। हमने कभी मरने की तो तैयारी ही नहीं की, यह कभी हमने मरने की तैयारी? कहाँ जाएंगे मर के, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन श्री भागवत कहते हैं कि आज भी चेतन हो जा, जाग जा, जितने भी बुरे कर्म मन से, तन से, वाणी से, इन हाथों से ही क्यों ना हुए हो, सब कुछ उसके चरणों में सौंप दे। हरि जो है हमारे हर पाप को हर लेंगे, हरि हमारे हर पाप को हर ले, हर करके हमें निर्मल जल की तरह बना देंगे, हमें उस निर्मल जल की तरह बना देंगे जिसमें हम खड़े होके अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा प्रेम, जब हमारी प्रेमा रूपी भक्ति कपट से रहित होगी, वहां कोई लालच नहीं होगा, वहां किसी प्रकार का कपट नहीं होगा कि हमने किसी को देख के आ हा जी हमसे तो बड़ा कोई भक्त ही नहीं, हमसे तो बड़ा कोई भक्त ही नहीं। लेकिन रे प्राणी, कभी हमने सोचा कि वो ईश्वर की दो नहीं हजारों करोड़ों आंखें हैं, हम कितने भी अंधेरे में कितना गलत काम करना चाहें लेकिन उसकी निगाह से हम नहीं बच सकते। क्या बच सकते हैं हम कभी उसकी निगाह से? कभी उसकी निगाह से नहीं बच सकते। तो जब कोई गलत काम हमें ऐसे गड्ढे में गिरा दे जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो, तो हम क्यों ऐसे कार्य करें? हम क्यों ना अपने संपूर्ण जीवन की, अपने संपूर्ण परिवार की डोरी श्री हरि के हाथ में दे दे। हे नारायण, यहाँ जितने भी आपके जन बैठे हैं, आपके चरणों में आए हैं हरि, हम आपसे हृदय से हार्दिक हार्दिक नमन करके प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं नारायण कि हम सब के परिवारों की डोरी को थाम, उस तरीके से थाम जिस प्रकार तूने अर्जुन का रथ थामा, जिस प्रकार आपने विदुर जी को तारा, जिस प्रकार आपने प्रहलाद जी को तारा, ध्रुव जी को तारा, इस दुनिया को तारा। हे नारायण, हम सब के परिवार आपके चरणों में हैं और आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। ये जो श्री सुखदेव जी जैसे जो संत आते हैं, श्री सुखदेव जी जैसे जो संत आते हैं, इनकी एक एक वाणी, एक एक शब्द, न जाने कौन से पल हमारा जीवन कहाँ मोड़ते। अगर हमने श्री भागवत में से एक शब्द का भी मनन कर लिया और उस शब्द के ऊपर चलने का निर्णय किया, फिर हम नहीं वो नारायण हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। हम अगर कुछ हमारे मन में अगर कुछ करने की तमन्ना आई, सद तमन्ना अर्थात कोई अच्छी भावना आई कि मैं ये कर सकूं, हे प्रभु मैं आपके हेतु कुछ ऐसा कार्य कर सकूं, तो उसके लिए फिर हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब इंतजाम ईश्वर अपने आप करते हैं। क्या हम जब सोते हैं हमें पता होता है कि हम सुबह उठेंगे भी या नहीं उठेंगे? नहीं पता ना, लेकिन वो ईश्वर है, हमें वक्त से इन नेत्रों में नींद भी लेके आता है और वक्त से जगाता भी है। देखिए अपने आप सूरज कैसे उग जाते हैं, हमारे लिए तो होता है ये सब, और हम कभी इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कभी भी
हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। सुखदेव महाराज जी जैसे हमें प्रभु से मिलाने को, परीक्षित जी को ना कराते और उनके द्वारा अगर हम सब इनका श्रवण ना कर पाते तो जगत को ये गीता भागवत कहाँ से मिलती। हुए ना हमारे संत आधार, क्या कहे हरि का श्रृंगार। हम अगर कोई श्रृंगार करते हैं तो हम सजते हैं, हम सुंदर लगते हैं। संत की वाणी हरी का, अपने इष्ट का, हम किसी को भी ध्याएं, हमारे ईश्वर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी कथाओं का वर्णन करते हैं कि उन कथाओं की सुंदरता से हरी का श्रृंगार होता है। तो संत वाणी इस जगत के आधार है और जो संत कहते हैं वो हरी का श्रृंगार बन जाता है। जगत आधार है ये सन, हरि श्रृंगार है ये सन, हरि श्रृंगार है ये सन, सदा हरि नाम जपाने को, सदा हरि नाम जपाने को, जगत में बहुत सुंदर कथा का श्रवण राजा परीक्षित जी को करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी किस प्रकार ब्रह्मा ने अपनी माया से समस्त गोप बालकों को माया से अपने धाम पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? अपने धाम। अब जब कन्हैया वो कन्हैया
जो अभी कुछ देर पहले सब गोप बालकों के साथ भोजन कर रहा था, और मधु मंगल जब सारी छाछ रूपी कढ़ी पी गया, तब कन्हैया ने देखा, अरे मधु मंगल, पूरन मासी बुआ ने मेरे लिए भेजा था और तू अकेले अकेले पी गया। लेकिन मधु मंगल क्यों पी गया कि अगर कन्हैया पिएगा तो कहेगा मेरी माँ खट्टी है, मेरी माँ खट्टी है, क्योंकि कन्हैया कहता है जब भी हम भोजन करें आपस में हम विनोद करें, अर्थात हंसे हंसे। अगर हम हर पल मिल के भोजन नहीं कर पाते तो वक्त का एक समय तो ऐसा हो, चाहे रात का समय हो कि पूरा परिवार, चाहे दो जने हो, चाहे चार, चाहे 20 जने क्यों ना हो, हमेशा मिल के भोजन करें। जहाँ मिल के एक से अधिक लोग होते हैं वहाँ सचमुच हमारे साथ हरि होते हैं, वहाँ सचमुच वो नारायण होते हैं। और जब भी भोजन करें हम हमेशा उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तूने हमें ये जो भोजन दिया है इसके लिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, हम इस लायक भी नहीं, तूने हमें उससे भी ज्यादा दिया है प्रभु, उससे भी ज्यादा दिया है प्रभु, इस संसार में जिसे अभी तक नहीं मिला उसे भी दे प्रभु, उसे भी दे। हमारे मन की ऐसी कामना सदैव बना के रखना, कभी तुझे ध्याए बिना कुछ भी अर्पण ना करे। ईश्वर कहते हैं, श्री भागवत कहते हैं, कभी अकेले मत भोजन करना, और हमेशा भगवान को अर्पण करके ही भोजन करना। हम कौन होते हैं अर्पण करने वाले, वो तो उसी का दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन अगर हम अर्पण नहीं करते भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने दिया नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हमें भूखा रहना पड़ सकता है, हमें भूखा रहना पड़ सकता है। क्या हमारी थाली में से भोजन कर लेते हैं, ये तो हमारा भाव होता है कि हे हरि, आपने ये सब दिया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हम कहते हैं ना कि तेरा दिया तुझे ही अर्पण है प्रभु, हमारा क्या है, सब तूने ही दिया है, तुझे ही हम अर्पित करते हैं। ईश्वर कहते हैं प्रभु को भोग लगाए बिना कभी भोजन मत करना। अब जब कन्हैया ने देखा मधु मंगल सारी छाछ पी गया, मटका खाली हो गया, तो उसकी मधु मंगल के मुंह पे लगी है, क्या लगी है, छाछ कढ़ी, जो उसकी मम्मी ने छाछ से कढ़ी बना के भेजी। मधु मंगल की माता ने, पूरन मासी जी ने छाछ की कढ़ी बना के भेजी कि छाछ खट्टी है, कन्हैया को खट्टी ना लगे, मैं कढ़ी बना के भेजती हूँ। लेकिन मधु मंगल वो सारी कढ़ी पी गया कि कहीं कन्हैया को अच्छी नहीं लगी तो मेरी माँ को कहेगा इसकी माँ तो खट्टी है, तो वो कहता है मेरी माँ के लिए ना कहे। अब कन्हैया कहता है मधु मंगल तूने मेरी सारी छाछ पी ली, मटके में भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके मुंह पे जो लगा था, कन्हैया कहते हैं ब्राह्मण के घर का भोजन खाने से हमारी बुद्धि सुधरती है, और वो जीभ से अपने मुंह से मधु मंगल का मुंह चाटने लगे। ये दृश्य किसने देखा, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा। और किस लिए आए थे ब्रह्मा जी, उस व्यक्ति को देखने आए थे, उस कन्हैया को, कि अघासुर जैसे राक्षस का वध किसने किया, सब कहते हैं कन्हैया ने किया। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कन्हैया जो गोप ग्वालों का मुंह चाट रहा है, ये कोई भगवान हो सकता है, ये कोई भगवान हो सकता है ना, मैं नहीं मानता ये भगवान है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, अगर ये मेरी परीक्षा में खरा उतरा तभी मैं मानूंगा भगवान है। हम एक निर्जीव, हम एक मूर्ति लेके आते हैं, हमारे भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम मूर्ति की तो सेवा करते हैं, लेकिन हमारे समक्ष सब जन है, हमारी माताएं, हमारे पिता,
सब जन है, लेकिन हम उन्हें हरि का रूप नहीं मानते, नहीं मानते ना। हम सोचते हैं शायद हम मूर्ति की सेवा कर लेंगे तो हमारी सेवा हो गई। जो सगुण रूप हमारे सामने है हम उनकी सेवा नहीं करते, सगुण रूप की सेवा नहीं करते और निर्गुण रूप के पीछे भागते हैं। ईश्वर यही तो कहते हैं कि मैं हर घट में हूँ, मैं हर घट में हूँ, वो को कहाँ ढूंढने बनते, मैं तो तेरे पास रे। हमारे अंदर है, क्यों नहीं समझते? उस तृष्णा की वजह से, उस लालच की वजह से। क्यों? क्योंकि जब भी हम हरि का नाम लेते हैं, जब हम नाम लेते हैं तब कोई हमारी इच्छाएं होती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ हम मांगते हैं प्रभु से, हे प्रभु हमारे बच्चों का ये कर देना, हे प्रभु आज ये चाहिए, और वो तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती। होती है हमारी इच्छा पूरी? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पहली सिर उठाए खड़ी हो जाती है। तृष्णा तो आ जाती है मन में, लेकिन कृष्णा नहीं आता मन में। कृष्णा तृष्णा न जाए मन में, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जितने करूं मैं बार बार, कैसी लगेगी तेरी आवाज मेरे श्याम जी, कैसी लगेगी तेरी आवाज। हर पल माया रसता साक्षात कृष्ण है, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं रहे और कहते हैं ये जो दूसरों का मुंह चाटता है कोई ईश्वर हो सकता है? किसका कथन है? ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा कहते हैं मैं कृष्ण की परीक्षा लूंगा, और उन्होंने अपनी माया से सब जितने गाय बछड़े चल रहे थे उन सबको माया से अपने धाम भेज दिया, अपने धाम भेज दिया। अब जब सब भोजन कर रहे हैं, पास ही खेत है, जमुना किनारे बैठे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, बछड़े भी वही हैं, अचानक से गोप ग्वालों की नजर जब पड़ी, कन्हैया हमारी गाय कहाँ गई, हमारे बछड़े कहाँ गए? अब कन्हैया ने देखा, कन्हैया कहते हैं ये ब्रह्मा का ही काम है, ये ब्रह्मा का ही काम है। कन्हैया से कुछ छुपा है क्या? ठाकुर जी से कुछ छुपा है क्या? उनसे तो कुछ नहीं छुपा। उन्होंने कहा ग्वालो मेरी सखाओ तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी गैया को लेकर आता हूँ। अब कन्हैया दूर चले जा रहे हैं गैया को देखने, लेकिन इधर जैसे ही जीव से ईश्वर अलग होता है तो जीव अन्य मायाओं में फंस जाता है ना। जब हमारे अंदर ईश्वर होते हैं
हम उसका ध्यान धरते हैं तो कोई हमारे को माया परेशान नहीं करती। और आज कलयुग में हम अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, उसने कैसे बना लिया ये? अरे हम अपने को क्यों नहीं देखते कि ये ईश्वर ने इतना सुंदर तन दिया, मन दिया, हाथ दिए, खाने को रोटी दी, सांस ले रहे हैं हम, उनको देखो जो बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, हम उनसे तो कितने महान है, कितने अच्छे हैं ईश्वर की कृपा से। और क्यों हम अपने से ऊंचे को देख के दुखी हो जाते हैं? हमें उनको देख के दुखी नहीं होना, उनके साथ खुशी मनानी है कि ईश्वर ने आपको ये सब दिया। जब हम किसी के अच्छे में उसके साथ खुशी मनाएंगे तो ईश्वर देखेंगे कि किसी के साथ ये कितना खुश है, तो ईश्वर अपनी कृपा से वो खुशी हमें भी देना चाहेंगे कि इसके मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। लेकिन आज कलयुग में हर जगह ईर्ष्या ही ईर्ष्या है, है ना ईर्ष्या, है ना जी? हर कोई दुखी, कोई गाड़ी लेके आए जी, भगवान किसी को भी देख कर दुखी ना दे जी, बस। और आज ए जी उसने गाड़ी ले ली, मुझे उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। और पति कहे अरे भगवान मेरी इतनी कमाई होगी तभी तो मन्ने ना मालूम जी लोन लेके गाड़ी लेके दो। अब वो लोन लेना एक ऐसी तृष्णा, एक ऐसी लालच जो एट ए टाइम तो मिल गया, लेकिन जिंदगी बीत जाती है उधार उतारने में, लोन उतारने में। तो हम क्यों इतना परेशान हैं? जितने हम गाड़ियां, जितना हम ये सब ज्यादा प्रयोग करने लगे, उतनी हमारे शरीर में बीमारियों ने घर बनाना शुरू कर दिया, पर कर दिया ना हमारे अंदर घर बनाना। बस हे ईश्वर, ये तन, इस तन का हम सब जो बैठे हैं रोम रोम आपके चरणों में है नारायण, हम आपसे प्रार्थना करेंगे जिसको कहीं भी दर्द हो, कोई कष्ट हो, उस कष्ट को दूर कीजिए प्रभु, ताकि आपकी इस सत्संग के लिए सब लोग वक्त से आ सके। हर किसी के मन में यही उमंग हो कि हमें बस सत्संग में चलना है बस, क्योंकि सिर्फ सत्संग ही है जो हमें सद राह दिखाएगा, हमें सद राह दिखाएगा। और अगर श्री भागवत का एक शब्द भी हमारी आत्मा ने, हमारे मन ने मनन कर लिया, तो जीवन के साथ साथ हमारी मृत्यु भी सुधर जाएगी, हमारी मृत्यु भी सुधर जाएगी। अब जब कृष्ण अलग हुए तो यहाँ माया से ब्रह्मा ने उन सब गोप वालों को भी अपने धाम ले गए। अब जब कृष्ण आए तो उन्हें नहीं मिले। अब ब्रह्मा कहते हैं अब देखता हूँ, बच्चों कन्हैया को कहते हैं अब देखता हूँ, इतने सारे गोप ग्वाल और इतनी सारी गैया उनके बछड़े, अब देखता हूँ कैसे उन सबकी माओं को जवाब देगा, बेटा फिर दिखा कि तू ईश्वर है। ऐसे ब्रह्मा जी के बोल, ऐसे ब्रह्मा जी के बोल कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा तू भूल गया कि मेरे नाभि से ही तू उत्पन्न हुआ था, तेरा पिता हूं मैं ब्रह्मा। अब क्या करते हैं कृष्ण, हमारे बिहारी जी, हमारे नटवर नागर, हमारे ठाकुर जी क्या लीला रचते हैं, एक एक गाय, एक एक बछड़ा, एक एक वही ग्वाला, एक एक वही पात्र जिसमें भोजन लेके आए थे, वो सब चीजें कृष्ण इतने रूपों में बट जाते हैं, इतने क्या कृष्ण। अब जब वो हम, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, शायद 130 करोड़ को भी पार कर गई, कर गई ना, इस देश के अलावा जितने जितना पूरे संसार पूरी धरती पे, हम ये कहते हैं हर घट में ईश्वर है, हर घट में है ना ईश्वर, तो ईश्वर के कितने रूप है, है ना, सिर्फ उसकी आकृतियां तो अलग है, किसी का चेहरा कैसा, कोई नर है, कोई नारी है, कोई बच्चा है, कोई पशु है, लेकिन हर किसी में हरि है ना हरि, हर किसी में। अब नारायण ने समस्त गोप बालकों का रूप बनाया,
समस्त ऐसी लीला, इस लीला को कहा जाता है वत्स लीला। क्या कहा जाता है? वत्स लीला। ये लीला क्यों की गई? परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? गायों की इच्छा थी कि ये जो कन्हैया, ये जो गाय थी, इन्हें हम सामान्य गाय ना समझे। ये जो वृंदावन में, जो गोकुल में जो गाय थी, ये वो ऋषि थे बड़े बड़े, जो आज गायों का रूप लेकर आए थे उस धरती पर, उस वृंदावन में, उस गोकुल में। छोटे से छोटे कण ने भी जो रूप लिया था वो इसलिए लिया था ताकि हमें ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो सके, ठाकुर जी हमारे पास रह सके और जन्म जन्मांतर के हमारे जितने पाप हैं उनके चरणों में आके वो हमारे पाप दूर हो सके। आज ये गाय चाहती थी कि ये कन्हैया हमारे पास रहे। हम जैसे अपने बछड़ों को दूध पिलाते हैं, ऐसे हम कन्हैया को भी दूध पिला सके। थी ना वात्सल्य भक्ति? वात्सल्य भक्ति, ममता रूपी भक्ति। इस भक्ति को पूर्ण करने के लिए आज कन्हैया ने वत्स अर्थात पुत्र अर्थात बछड़ों का रूप लिया। किसका रूप लिया? बछड़ों का रूप लिया। अब देखिए, तो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में हैं, ब्रह्मलोक में है असली बछड़े। तो जिन बछड़ों ने स्तनपान करना छोड़ दिया था, गायों का दूध पीना छोड़ दिया था, वे बड़े बड़े बछड़े भी आज दूध पी रहे थे अपनी माँ का, गायों का दूध पी रहे थे। वहां पे सामने कृष्ण जी के बड़े भैया बलदाऊ खड़े हैं। बलदाऊ कहते हैं, ये क्या आज विचित्र घटना हो रही है? ये बछड़े जो कभी माँ का दूध नहीं पीते थे आज कैसे पी रहे हैं? और वो भी इतने बड़े बड़े बछड़े, इतने बड़े बड़े बछड़े अपनी माओ का दूध पी रहे हैं, गायों का। जब बलदाऊ भैया ने ध्यान लगा के देखा तो देखा हर बछड़े में, हर गाय में कृष्ण समाये हुए हैं। कौन समाये हुए हैं? आज तब बलदाऊ भैया कहते हैं, जरूर ये कोई कन्हैया की लीला है, कन्हैया की लीला है। अब जब समस्त गोप बालक कन्हैया बने हुए हैं, तो जो गांव में ऋषि शांडिल्य थे, ऋषि शांडिल्य ने पूरे गांव में मुनादी करा दी कि इस वक्त हर गोप में कृष्ण है। तो जितनी भी गांव में कन्याएं हैं, इन ग्वालों के साथ विवाह कर दीजिए, इन सभी ग्वालों के साथ विवाह कर दीजिए। तो सब कन्याओं का विवाह कन्हैया रूपी ग्वालों के साथ हो गया। थी ना कन्हैया की 16,000 रानियां? थी ना? ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि कन्हैया की 16,000 रानियां। एक बार कन्हैया बहुत छोटे थे, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं सो जा लोरी भी सुनाते हैं, और कई बार बच्चे नटखट होते हैं, सोते नहीं है, होता है ना ऐसा? हम सब बड़े हुए हैं, बच्चों को पाला है हमने, पापा भी दुलार करे, माता जी भी दुलार करे, लेकिन एक दिन कन्हैया सो नहीं रहा था। कन्हैया रोए जाए, नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। तो माँ कहती है, देख वो चंदा, तू सोएगा ना फिर मैं तेरे को चंदा ला के दूंगी। क्या ला के दूंगी? चंदा ला के दूंगी। अब वो जिद करे, मुझे चंदा दो, मुझे चंदा दो, मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा। अब माँ कहे, बाबा सोएगा तभी तो दूंगी लाला, नहीं हम तो अभी लेंगे चंदा, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अभी लेंगे चंदा। अब माँ कहती है, मैंने इसको बेकार में कहा तेरे को चंदा देंगे, परात में पानी भर कर लाई, चंद्रमा की छवि दिखी। अब कन्हैया को उल्लू बनाना आसान थोड़ी है। माँ कहती है, देख बेटा ये रहा चंदा। क्या करता है कन्हैया? हाथ मारता है, झूठ बोलती है मैया, झूठ बोलती है। तू पानी में मुझे प्रतिबिंब दिखाती है, पानी में मुझे चंदा दिखाती है, मुझे तो चंदा चाहिए। अब मैया कहती है, कैसे मनाऊं? गोद में उठाती है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लाला तेरे लिए मैंने बहू देख ली, तेरी
बहुत सुंदर बहु रानी है तेरी। अब लाला का ध्यान तो हट गया, लाला का ध्यान चंदा से हटा, अब तो हम बहु लेंगे, अब तो हमें बहु ला के दो, हम तो अभी बहु लेंगे। लाला सुबह मिलेगी नहीं, हम तो अभी चलेंगे, हमें बहु ला के दो। अब नंद बाबा आ गए, क्या हुआ यशोदा, क्यों रो रहा है लाला? अरे क्या बताऊं, उनको कहती है मैंने इसे कहा चंदा, अब चंदा मैंने रोका, अब बहू कह रहा है मुझे बहू ला के दे। तो गुड़िया होती है ना गुड़िया, कन्हैया नंद बाबा कन्हैया के लिए दूसरे कमरे से जाके गुड़िया उठा लाए, ले काना ले लाला तेरी बहू। माँ को कहते हट माँ, अब मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, मैं अपने बाबा का बेटा हूँ। देख बाबा मेरे लिए कितनी सुंदर बहू ले आए, मेरी प्यारी सी गुड़िया ले आई। अब गुड़िया को लेके कान्हा उस दिन सो गया। अगले दिन जब सब सखा मिले ग्वाल मिले, तब उसको रात की बात बताई कन्हैया ने कि ऐसा हुआ। तब सारे कहते अरे लाला ये तो गुड़िया है। कन्हैया कहता है सब जानता हूँ, मैंने तो अपनी राधिका पहले से देखी है। अपनी राधिका तू ऐसी छोटी छोटी लीलाएं कन्हैया ना जाने कितने कितने करती रहे, और आज देखे हर बहू कितनी सारी गोप का रूप और कितनी सारी बहुएं आज कन्हैया को मिल गई। सब गोप ग्वालों के साथ कन्हैया का विवाह हुआ। हर वृद्धा जो अपने पुत्र में कन्हैया को देखती थी, हर वृद्धा बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, हम अपने बच्चों में भगवान का रूप देखते हैं ना, तो जो गोकुल में जो जितनी माताएं थी वो कहती थी मैं कन्हैया को गले लगाना चाहती हूँ, तो आज हर गोप के रूप में कन्हैया था और उन सब वृद्धाओं के गले लग के उन सब को भी ब्रह्म संबंध मिला। उन सब का ब्रह्म संबंध हुआ गायों का बछड़ों के साथ, और जितनी गोपियां थी उनका गोपों के साथ ब्रह्म संबंध हुआ, माओं के साथ ब्रह्म संबंध हुआ, जहां पुत्र के रूप में माँ के गले लगे, कृष्ण माँ के गले लगे। ये सब चलता रहा, रोज गायों को लेके जाते। अब एक वर्ष बीत गया, आज ब्रह्मा आए, कहते हैं देख के तो आऊं, पता नहीं वो कृष्ण होगा भी या नहीं होगा, अब तक तो बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे। जब धरती पे ब्रह्मा आए, ये क्या, ये तो सब सामान्य, इतनी सारी गौए वही ग्वाले, और ये वही कृष्ण, ये वही बांसुरी बजा रहे हैं। कन्हैया को पता चल गया ब्रह्मा आए। अब कन्हैया ने सोचा आज ब्रह्मा मैं तेरे को मजा चखाता हूँ। एकदम से एक रूप गोप ग्वालों के साथ है और दूसरा रूप ब्रह्मलोक चला गया। कहाँ चला गया? ब्रह्मलोक। और वहां जो सेवक बाहर बैठे हैं, सेवकों को कहते हैं सेवकों ब्रह्मा के रूप में गए कृष्ण, वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप बना के गए। सेवकों को कहते हैं सेवकों। एक अभी बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है मैं ब्रह्मा हूँ, वो आ रहा है, जरा उसकी सही से धुनाई कर देना, जरा उसकी सही से धुनाई कर देना। और अंदर जाकर ब्रह्मा की सीट पे विराजमान हो गए, और अंदर उन्होंने देखा सब बछड़े और सब मेरे गोप ग्वाल एक वर्ष से बेसुध पड़े हैं। माया का बंधन है, ब्रह्मा ने बांधा हुआ है उन्हें। और अब जब द्वार पे असली ब्रह्मा आए, सेवक कहते हैं हाँ भाई कहाँ जाना है, मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा कहता है झूठ बोलता है, जो सेवकों ने आज ब्रह्मा जी की धुनाई की, जो पिटाई की। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मूर्खो मैं तुम्हारा राजा धीराजा ब्रह्मलोक का स्वामी। वो कहता है कौन सा स्वामी, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखूं मैं जरा अपनी दिव्य दृष्टि से, देखा कृष्ण वहां ब्रह्मा बने बैठे हैं, कृष्ण वहां ब्रह्मा बने बैठे हैं। और देखिए फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जब ध्यान वस्तित होकर देखा राज सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। स्वयं
आज उन्हीं की परीक्षा के साथ साथ डंडे भी पड़े, पिटाई भी पड़े और अपने ही सेवकों से पड़े डंडे, अपने ही सेवकों से पड़े। फिर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कृष्ण के चरणों में कि हे नारायण, आपका स्वरूप वर्षा कालीन मेघ के समान है। जैसे वर्षा करने के लिए मेघ का जो रूप है उस पर पीतांबर बिजली के समान है, अर्थात आप कोमल के लिए कोमल है, लेकिन जब इंद्र रूपी जैसे मेघ बरसते हैं, जब आपका व्यवहार ऐसा हो तब आप मेघ रूपी हैं, आपका पीला पीतांबर बिजली के समान है, बिजली के समान है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख है, आपके मुख की शोभा अनोखी है, वक्ष स्थल पर वन माला झूल रही है, हाथ में दही भात का कवल, बगल में लकुटी और बांसुरी है, कमल से भी कोमल चरणों वाले मधुर गोपाल, मैं आपको नमन कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपको नमन कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझसे भूल हुई, मुझसे भूल हुई कि मैं आपको समझ ना सका, मैं आपको समझ ना सका। माता ने तो कृष्ण के गले में सोने की कंठी डाली थी, कन्हैया के गले में यशोदा मैया ने सोने की कंठी डाली थी, लेकिन कन्हैया अपने गोप ग्वालों को वो सब दे देता और सिर्फ वन माला, जिसे वैजंती माल बोलते हैं ना, वन के जो फूल होते हैं उन फूलों की जो माला बनाते हैं वो पहनते। कहते हैं कि मेरे भक्तों को सुख मिले, मेरे भक्तों को सुख मिले, अगर उन्हें सुख मिलेगा तो मैं उससे सुखी हूँ, ये कन्हैया कहते हैं। इस बात से तात्पर्य है कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। देखिए संत और सज्जन में क्या फर्क होता है, सज्जन भी महान होते हैं और संत भी महान होते हैं, लेकिन संत अपना सुख देकर भी दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, अपना सुख देकर दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, और सज्जन वो होता है जब उसके पास है सब कुछ तब वो किसी को देना चाहते हैं, है ना। देखिए तो संत को बहुत महान कहा गया है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी परमात्मा की ऐसी स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा तुम भूल गए कि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम भूल गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। ब्रह्मा, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है और हमें ना जाने कब माया कब अभिमान आके घेर ले, हम नहीं जानते ना, लेकिन जब हम उसकी चरण में रहेंगे, शरण में रहेंगे, उसकी करुणामय कृपा के नीचे रहेंगे, तब हमारे अंदर कोई भी अभिमान नहीं आएगा। हमें सदैव नीवा होके रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? नीवा। जिस प्रकार एक वृक्ष के ऊपर फल आते हैं वो टहनी झुक जाती है, हमें ईश्वर ने इतना दिया है कि सदैव हमें झुक के रहना चाहिए। झुकने से, नम्र होने से हम छोटे नहीं होंगे। ईश्वर कहते हैं नम्र बनो, नम्र बनो। जब गज नम्र होके जब उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी तब हरि आए थे ना उनकी रक्षा के लिए, गजेंद्र की रक्षा के लिए नारायण आए थे। जब तक वो अकड़ के खड़ा था कि मेरी पत्नियां मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, तब तक उसके पास कोई नहीं आया, लेकिन जब वो झुका तब नारायण उसकी रक्षा करने आए। तो क्या कहते हैं नारायण? अभी तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं पंच तत्व का बना हुआ हूँ, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है, मिश्री के खिलौने मिश्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं,
हम दिवाली पे खिलौने लेकर आते हैं ना, कोई हाथी बनाए कोई घोड़ा बनाए, क्या वो सचमुच हाथी घोड़ा बनाए? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी दीपावली को हम खीर पताशे और खिलौने लेने गए, तो जिस जगह पर ये खेल खिलौने रखे हुए थे तो मैं उसमें से ले रही थी, उसमें से ज्यादातर टूटे हुए थे। तब एक माता जी ने कहा दुकानदार से कि ये सब तो टूटे हुए हैं। मैंने उन्हें कहा माता जी ये मिश्री खेल खिलौने हैं, टूटे हुए क्या? आपका भाव तो सच्चा है, आप भाव से रखिए। ये आप हाथी घोड़ा लेंगे, ये हाथी घोड़ा तो नहीं बन जाएगा। आप श्रद्धा से आप दो पताशे भी रखेंगे, वो भी ईश्वर वैसे ही स्वीकारेंगे। अगर इस दुकान पे कुछ टूटा हुआ है तो अगर आप लेना चाहते हैं आप उसे भाव से लीजिए। तब माता जी ने लिए जरूर, मेरी बात सुन के मैं भी लेकर आई। जब मैंने पूजा की तब भी वो मुझे ध्यान आया। तभी तो लोग कहते हैं कि हमें साबुत साबुत लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन ईश्वर हमें कहते हैं हमें जो मिले हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कि ईश्वर की कृपा से वो वस्तु मिली तो सही हमें। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सदैव आनंद में रहते हैं। वो तो आनंद महसूस करते हैं कब महसूस करते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब हमें कुछ मिलता है, जब हमारे बच्चों को कुछ मिलता है तो माता पिता खुश होते हैं ना, तो वो भी तो हमारे माता पिता हैं। जब हमें कुछ मिलेगा तो वो प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे बताइए। अब जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेता है, रोज श्री भागवत हमें कहती है कि अपनी जो नौका है, अपनी जो नैया है, उसकी पतवार को हम खुद ना चलाएं। हमें तो पता ही नहीं हमारा अगला पल कौन सा है, तो हम क्यों ना उस हरि के हाथ सौंप दें, उस नारायण के हाथ सौंप दें, वही चलाएंगे हमारी पतवार को। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। कोई भोजन कर रहा है, हम अगर कहीं पहुंच जाएं तो जो भोजन कर रहा है हम उन्हें प्रणाम करके इंतजार कर ले थोड़ा। और यदि कोई सोया हुआ है, बहुत देर का सो रहा है, घर वाले बता देते हैं, आजकल तो फोन है, सब फोन करके ही जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं है ना फोन। लेकिन अगर अचानक कहीं पहुंचना भी पड़े, कोई सोया है, तो ईश्वर कहते हैं किसी की निद्रा में विघ्न ना डाले। इस बात का तात्पर्य है अगर कोई ईमानदारी से कार्य कर रहा है हमें उसका साथ देना है, ना कि उसे उसके रास्ते से हटाना है। और अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी गलती को रोकने का सोचना है, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, उसको समझाना है कि तू बुराई को छोड़ दे। आगे ईश्वर मालिक है, वो अपने आप देखेंगे। हमारा कर्तव्य हमने पूरा किया, अब आगे वो ना माने तो उसका प्रारब्ध जो है। अब ब्रह्म लोक में नींद से सोए बालक और सभी गायें बछड़े आज एक वर्ष बाद जागे। कब जागे? आज एक वर्ष बाद जागे। और अघासुर के मृत्यु का आज एक वर्ष बाद अपने माता पिता को सब बालकों ने बताया। कुछ महात्मा इसे ब्रह्मा मोह लीला कहते हैं, कुछ इसे वत्स लीला कहते हैं, श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला की है। क्यों सर्वोदय लीला कहा है? सर्वोदय लीला इसलिए कहा है, सबका उदय हुआ, गायों का उदय हुआ। क्यों? गायों को वत्स रूप में बछड़े मिले, सब गोपियों को कृष्ण रूप के गोप मिले, सब माताओं को पुत्र रूप में कृष्ण मिले, तो हुई ना सर्वोदय लीला। सर्वोदय लीला
वत्स लीला पहले सत नहीं है अब एक दूसरे को नोचने खसोटने का वक्त है। नोचने नहीं, देखो आपके पास दिया भगवान ने दिया, हमें क्यों दुख है? परमात्मा और दे, बिल्कुल तो हमें दे रहा है उसमें हमको, बिल्कुल बिल्कुल यही तो है। अगर ये भावना कि परमात्मा ने जो उसे दिया है वो उसके प्रारब्ध से भगवान की कृपा से मिला है, अगर मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? क्या पता ईश्वर चाहते हैं कि मेरे पास वो चीज ना हो, क्या पता मैंने क्या कर्म कर रहा, क्या पता क्या किया है। और हमसे ज्यादा उस ठाकुर जी को पता है कि हमें क्या चाहिए, उस दर पे तो हमें मांगने की जरूरत भी नहीं, नहीं मांगने से भी देता है, ऐसी बात हमने देखा है, देता है पर वो भी भाव ना देखते हैं, इसके भाव में क्या है? प्रेम भाव, जहाँ प्रेम भाव होगा हम अपना, हाँ। मैं अपना मन से बता, बिल्कुल बिल्कुल मैंने मांगा सो सब कुछ दिया माता रानी, बिल्कुल 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 ऐसे ही कृपा ईश्वर हमेशा बना के रखे, कोई दुख ना हो, हमेशा कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी का बुरा, भगवान जो जैसा है उनकी भावना, बिल्कुल परमात्मा हम किसी का ना बुरा करेंगे ना बुरा सोचेंगे, परमात्मा उसको भी दे जो उसकी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हमने अपनी बात बताई, बिल्कुल बढ़िया दिया भगवान परमात्मा उसका। बोल श्री बांकी बिहारी लाल की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलेंगे तो कहीं पर कोई जगह किसी की निंदा के लिए ईर्ष्या के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना बोल में बचेगा ना ध्यान में बचेगा, है ना। तो क्यों ना हम अपनी प्रवृत्ति ऐसी बना ले कि हम जब बोले तब नारायण नारायण बोले, हरि हरि बोले। आप देखिए बोल श्री भागवत भगवान की जय। अब जब कन्हैया गैया तो चुराता है घर आ गए हैं सब, घर सब गोप ग्वालों को लेकर कन्हैया आ चुके हैं। अब देखिए जिस खेत में गैया घास चरती है, बछड़े भी घास चरने जाते हैं,
और पास ही एक घना जंगल भी है। उस जंगल में एक धेन का सुर नामक राक्षस, उस राक्षस का रूप एक विशाल काय गधे का रूप था। क्या था? धेन का सुर राक्षस, जो कि विशाल काय गधे के रूप में था। वो ताल था, एक ताल था, तालाब था। तालाब के किनारे जितने वृक्ष लगे थे उसमें बहुत फल आते थे। अब किसी को भी वो उन फलों को खाने नहीं देता था, क्योंकि वो राक्षस था, क्योंकि धेन का सुर राक्षस था, गधा था, राक्षस था, बहुत विशाल काय। तो उसके डर से वहां कोई भी कुछ खाने नहीं जाता था। कन्हैया, देखिए, जब श्री धामा और अन्य बालकों ने ये बात कन्हैया को बताई, कन्हैया ताल के पास, जहाँ ताल है, तालाब है, वहाँ पास में जो वृक्ष है ना, उनपे बहुत बड़े बड़े मीठे मीठे फल होते हैं, लेकिन हम खा नहीं पाते। कन्हैया कहते हैं, भाई क्यों नहीं खा पाते? कन्हैया, वहाँ धेन का सुर राक्षस रहता है। अब जब कन्हैया ने आंखें बंद करके देखा तो ये जो गधे का जो स्वरूप था, धेन का सुर का, ये प्रहलाद के वंश का एक ऐसा प्राणी था जिसने इतने, क्योंकि जो प्रहलाद थे राक्षस वंश था, तो उसमें से एक राक्षस ऐसा था जिसका प्रारब्ध राक्षसी का अभी भी बचा हुआ था, और वो इस वक्त यहाँ वृंदावन में एक विशाल काय धेन का सुर गधे के नाम से प्रवास कर रहा था, रह रहा था, और उस सारे क्षेत्र पे उसने अपना कब्जा जमाया हुआ था। क्यों कब्जा जमाया हुआ था? क्योंकि वहां किसी को आने नहीं देता था, और अगर कोई आ जाए तो वो उसे कच्चा चबा जाता था, कच्चा चबा जाता था। कृष्ण को जब ये याद आया, हमारे नटवर को, बिहारी जी को जब ये याद आया, तो उन्होंने कहा, मैंने तो प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तेरे वंश के किसी भी प्राणी की, चाहे कोई राक्षस हो, किसी भी प्रकार का, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। अब इसकी हत्या का काम दिया गया बलदाऊ भैया को। किनको दिया गया? बलदाऊ भैया ने जब जाकर पेड़ों के पास जाकर उसे ललकारा, बलदाऊ तो शेषनाग का रूप है, और उनके एक ही प्रहार से, बलदाऊ के प्रहार से, जो धेन का सुर था उसका संहार हो गया। और जब संहार हुआ तो वो श्री हरि की बैकुंठ में ही गया। बोल श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। धेन का सुर देहाध्यास है। क्यों देहाध्यास है? हम देहाध्यास अर्थात हमें अभिमान हो जाना, जब हमें हमारे तन पर, हमारे मन पर, जो हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमें घर मिला है, परिवार मिला है, अगर हमें उस चीज का अभिमान हो जाएगा तो हम उस धेन का सुर के समान हो जाएंगे। उसे अभिमान हो गया था, इतने बड़े एरिया का अकेला मैं ही मालिक हूँ, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, ईश्वर को भूल गया। और अभिमान हमें किस गड्ढे में गिराता है जहाँ से उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्यों हम जानबूझकर उसमें गिरे? क्यों ना हम चेतन हो, हरि के चरणों में अभी से आ जाएं। अब जो लीला आएगी श्री हरि की, कालिया नाग लीला, प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का अब विचार किया। ये सब प्रभु की लीलाओं के अंतर्गत है। वृंदावन में रहते हुए हर किसी को टाइम टू टाइम, समय अनुसार, सबको वक्त के अनुसार, सबका उद्धार करते रहे,
सबका उद्धार करते रहे। हर किसी के समय निश्चित है कि कब किसका उद्धार करना है, हमारा समय भी निश्चित है और वो ईश्वर के हाथ में है और कर्म हमारे हाथ में है। अब हमारे कर्म ही है कि वो हमें गड्ढे में गिराते हैं या नारायण के चरणों में लेके जाते हैं। ये तो हम सोच सकते हैं। हम कभी भी कोई गलत कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें एक बार जरूर बताते हैं कि अभी भी सोच ले प्राणी, अभी भी सोच ले। लेकिन हम अपने आप को समझते हैं, अरे तू कौन होता है हमें कहने वाला, हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है। हमें हर वक्त हाँ जी जी सु जी अहंकार का ऐसा रूप होता है जिसे ना सुनने की आदत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जिसमें अहंकार हो, अगर उसे कोई व्यक्ति कभी ना कर दे, किसी बात को नकार दे, तो उसका अहंकार गुस्सा बन जाता है और क्रोधवश ना जाने इस वाणी से क्या क्या कैसे फूल झड़ते हैं, कैसे फूल झड़ते हैं और वो फूल जहाँ गिरते हैं क्या दुर्गति होती है। ना जाने हमारी वाणी से किसको क्या कहा जाए। हम इस वाणी, सिर्फ ये वाणी ही है जो हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर हमारी वाणी में मधुरता होगी, प्रेम होगा, हरि की कृपा होगी, तो हमारी वाणी कभी किसी से गलत नहीं बोलेगी। और बोले भी क्यों, हम कौन होते हैं किसी से बोलने वाले, हम कौन होते हैं। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वाणी में तनिक मिठास नहीं है प्रभु, फिर भी जो भी ये वाणी बोले सदैव तेरा ही सिमरन करे, तेरा ही गुणगान करे, बोल के भी कभी किसी को बुरा ना कहे प्रभु, कभी किसी को बुरा ना कहे। बोल श्री बाकी बिहारी लाल की जय। कालिया नाग दमन की लीला हम कल यहीं से शुरू करेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने मिलकर हृदय से आपके चरणों में नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्रिया ही नम मंत्र ही नम,
कोई मंत्र नहीं आता, कोई बोल नहीं आता, कोई क्रिया नहीं आती प्रभु, किस तरह आपकी पूजा की जाए, किस तरह आपको ध्याया जाए। हे प्रभु, जैसा भी मुख ने वाणी बोली है आपके चरणों में है, क्योंकि स्वर भी आपके, शब्द भी आपके प्रभु, ये कान भी आपके, ये मुख भी आपका है नारायण। इसी प्रकार कृपा बना के रखना, अगर कोई गलती है तो क्षमा करना प्रभु, आपके बच्चे हैं। यहाँ जितने जन बैठे हैं सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा सदैव यूं ही बनी रहे, किसी के शरीर में भी कोई कष्ट हो हे नारायण, हम हृदय से निवेदन करते हैं उस कष्ट को दूर कर, मन में हरि नाम दे ताकि हर पल तेरा सिमरण अच्छी तरह से हो सके। प्रभु, अगर काया रोगी हो जाएगी तो ये मन कैसे तेरा ध्यान कर पाएगा नारायण, कम से कम इस सिमरण के लिए ही सबके शरीरों को स्वस्थ रख, सबके मनों को स्वस्थ रख, सबके मन से ईर्ष्या को दूर कर, सबके मन में ऐसा भाव हो, प्रेम भाव हो, जो हम हर घट में तुझे ही देखें, ऐसे दिव्य ज्योति प्रदान कर प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज का ये पावन समय दिया नारायण ने, नारायण को हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन समय के लिए। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको हृदय से प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग?